सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज के अंदर हुआ था। उन्होंने हमारे देश के अंदर खेलों के महत्व को लोगों तक पहुंचाया और विश्व के अंदर हमारे देश की एक महा देश का एक विशेष स्थान रखा। उनकी कप्तानी के अंदर 1928, 1932 और 1936 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर भारत को हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल मिला था। भारत में प्राचीन समय से ही खेलों का महत्व रहा है। कई खेल खेले जाते हैं। हमारा देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बच्चों और युवाओं को अधिकतम भागीदारी के लिए बहुत सी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि खेल का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती नहीं है, यद्यपि इसके पीछे बहुत से छिपे हुए लाभ हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक बालक के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। खेल का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की और एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, जिसका अर्थ यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना अति आवश्यक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं हो सकता है, और अगर मन स्वस्थ नहीं है तो आप अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पर आप पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अतः आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए खेल खेलना बहुत ही आवश्यक है। खेल आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है। ये चरित्र और अनुशासन की डोर अगर हम सीख जाते हैं, ये इससे चरित्र निर्माण और अनुशासन का विकास होता है। यदि हम सीख जाते हैं तो जीवन भर इसकी डोर हमारे हाथ में रहती है, हमें सक्रिय बनाती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें ताकत देती है। खेल हमारे मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारे शरीर शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं, स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं, कठिन परिस्थितियों में सामना करने के लिए जीवन में हमें हौसला लाना सिखाते हैं। किस तरह से हम किसी भी कठिन परिस्थिति के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, ये सारी गुण हैं, ये सभी गुण हैं हम खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। इससे नेतृत्व का विकास होता है। जब आप गेम खेलते हैं, किसी भी गेम के अंदर टीम होती है, कई सारे खिलाड़ी मिलकर के अपनी टीम को जिताते हैं। वो अपने लिए नहीं खेलते हैं, पूरी टीम के लिए खेलते हैं, तो टीम भावना को उसके अंदर विकास होता है। जब आप खेलते हैं आपका शरीर सक्रिय रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो आपको थकान नहीं आती है, अच्छी नींद आती है और पढ़ने के अंदर आपका मन लगता है। आज खेलों का क्षेत्र सरकार के प्रयासों के द्वारा बहुत बढ़ गया है। कई सारे खेल हो गए हैं। आप जिस क्षेत्र में आपका रुचि है, जिस खेल में आपकी रुचि है, वो खेल आप खेल सकते हैं। अभी भी खेल में हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मानक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि लगता है कि आने वाले समय में हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल से, कॉलेज से, जहां से आपकी शिक्षा प्रारंभ होती, वहीं से खेलों को आपके जीवन के अंदर उतारने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर ऐसे ग्राउंड डेवलप किए जा रहे हैं, कोचिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही है और कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम एक गुणवत्ता के साथ में वो मानक हासिल कर पाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में खेलो, आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।